अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सिक्स, आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम अपने उर्दू की ये जो किताब है चंपा, उसका पेज नंबर 66 जो है वो करेंगे। इससे पहले हमने मिर्ज़ा अदीब की ये जो स्टोरी थी ख़जाना, ये हमने पढ़ी। आज हम इसके मशकी सवालात करेंगे। तो पेज नंबर 66 पे सबसे पहले है ज़खीरा अल्फाज। हमने ये इनके जो मानी हैं वो पहले ही पढ़ाई के दौरान अंडरलाइन करके लिख लिए थे, जिनमें सराय था जो छोटा सा रहने वाला होटल होता है। ठीक है, पुराने ज़माने में ये बहुत आम थे, अब कम होते हैं। बहरहाल छोटा सा होटल, बेदार जागना, माजरा, किस्सा, अबर बादल, अबर आलूद बादलों से भरा हुआ आसमान, नुस्खा टोटका, सताना तंग करना, ये हम कर चुके हैं पहले। इससे आगे है कसीरुल इंतखाबी सवालात, इनको हम देखते हैं। मंदरजा ज़ैल में से हर एक के दुरुस्त जवाब के आगे गिर दायरा बनाकर खाली जगह में लिखें। कहानी ख़जाना के मुसन्निफ़ डैश हैं, तो मैंने जैसे पहले बताया मिर्ज़ा अदीब, तो इसकी चॉइस है जीम, ठीक जो है वो आपने वो लिखनी है। आमिर और फैयाज़ दोनों डैश थे, ना ताजिर ना जी ताजिर भी नहीं थे और सिपाही भी नहीं थे, ये दुकानदार थे। ठीक है जी, तो दुकानदार को आपने करना है। दोनों पुराने दोस्त थे और एक दूसरे पर डैश करते थे, एतमाद शक या यकीन, तो एतमाद करते थे ये। ठीक है जी, आमिर को डैश ने काटा था, शेर ने ना कीड़े ने बल्कि इसको सांप ने काटा था, तो जीम इसकी सही चॉइस है। फैयाज़ ने डॉक्टर से इलाज के लिए डैश लिखवाया, ख़त भी नहीं लिखवाया, मज़मून भी नहीं लिखवाया, बल्कि नुस्खा लिखवाया, दवाइयों का नुस्खा होता है, ना कि ख़त या मज़मून। एक सच्चा और हमदर्द दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना है, जो कि स्टोरी का नाम भी है कि उसको जो ख़जाना मिला वो एक सच्चा और हमदर्द दोस्त मिला। ठीक है जी, फयाज़ को नींद में महसूस हुआ डैश उसका साथी किसी से बातें कर रहा है, के को, तो यहाँ पे के कौन सा आएगा, बी बे वाला, के काफ है के उसका साथी किसी से बातें कर रहा है। आगाज़ की ज़िद डैश है, आगाज़ किसी चीज़ का शुरू होना होता है, तो आगाज़ की ज़िद जो है या मुतज़ाद जो है वो अंजाम है, अलिफ इसकी चॉइस है, आप इसको कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेज चलेंगे, पेज नंबर 67 पे जी। तो यहाँ पे हैं मुख्तसर जवाब के सवालात, हमने इनके शॉर्ट आंसर्स देने। मंदरजा ज़ैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए, मैं आपको सिर्फ ओरली बताऊँगा, आप इतने बड़े हैं कि आप खुद उनको अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं या इनको आप कॉपी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। इस कहानी में किस मौसम, महीने और वक्त का जिक्र है? जी, तो अगर आप इसकी पहली लाइन पढ़ें तो सर्दियों का दिन था, दिसंबर का पहला हफ़्ता बीत गया था और दूसरे हफ्ते का आगाज़ हो चुका था, तो आप यहीं से इन्हीं लाइनों से मौसम का, महीने का और वक्त का जिक्र कर सकते हैं। मतलब दिन का वक्त था, सर्दियों का मौसम था और दिसंबर का महीना था। दूसरा, कहानी के दोनों किरदारों के नाम और उनका मुख्तसर तारुफ लिखिए। जी, उनके दोनों के नाम क्या थे? आमिर और फैयाज़, दोनों पुराने दोस्त थे, दोनों को एक दूसरे पे बहुत एतमाद था और दोनों दुकानदार थे। ठीक है जी, इनका मुख्तसर तारुफ है। फयाज़ को किस तरह अंदाज़ा हो रहा था कि आमिर कोई बात छुपा रहे हैं? इसलिए कि जब फयाज़ रास्ते में सोया था तब भी उसने आमिर को किसी से बात करते सुना, जब उसने आमिर से पूछा तो आमिर ने उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। इसके अलावा भी आमिर की जो हरकत थी वो नए शहर पहुंचने पे वो थोड़ी सी मशकूक लग रही थी, तो फयाज़ को अंदाज़ा हो रहा था कि आमिर उससे कोई बात छुपा रहा है। ठीक है, सॉरी। आधी रात को फयाज़ ने क्या देखा? जी, आधी रात को फयाज़ ने देखा कि आमिर जो है वो अपने बिस्तर से निकले और फयाज़ के पास आया है, और ये देखने के लिए कि फयाज़ जाग रहा है कि सो रहा है, और जब उसे यकीन होगा कि फयाज़ सो रहा है तो वो कमरे से बाहर चला गया। ठीक है, आमिर की मशकूक हरकत देखकर फयाज़ के जहन में क्या ख्यालात आ रहे थे? आमिर की मशकूक हरकत को देख कर फयाज़ को ऐसा शक आया कि शायद वो जो बाबा जो था, जिससे बूढ़ा आदमी जिससे इसने फयाज़ के सोने के दौरान बातचीत की थी रास्ते में, हो सकता है उसने उसको किसी ऐसे ताजिर का पता बताया हो जो बहुत सस्ता माल दे रहा है, तो आमिर उससे वो माल खुद ही ख़रीद के मुनाफा कमाना चाह रहा है और फयाज़ से छुपा रहा है, ये इसका जवाब है। फयाज़ ने टॉर्च की रोशनी में दरख्त के नीचे क्या देखा? जी, फयाज़ ने टॉर्च की रोशनी में दरख्त के नीचे एक गढ़ा देखा और उसमें आमिर जो है वो गिरा हुआ था। दोस्त की जान बचाने के लिए फयाज़ ने क्या किया? अपने अल्फाज में लिखे हैं। जी, उसने उसको जो है जब ये जाना कि वो उसको सांप काट चुका है तो उसने फौरन उसको वहाँ से निकाला और उसको अपनी पीठ पर सवार करके उसको शहर की तरफ लेके आया। हालांकि हर कदम बहुत मुश्किल से उठा रहा था वो, फिर भी वो उसको वक्त पे डॉक्टर के पास पहुँचाना चाहता था, तो वो उसको अस्पताल में ले आया। और आखिरी सवाल है, आमिर ने फयाज़ के एहसान को किस तरह बयान किया?
आमिर जब अपने घर फयाज़ जब ठीक हो गया, आमिर अपने घर आ गया और वहाँ पे उसने फयाज़ को सारा किस्सा सुनाया कि मुझे उस बाबे ने कहा था, उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि दरख्त के नीचे जो है वो एक ख़जाने का राज है और वो राज मुझे मालूम हो गया कि इस दुनिया का सबसे अच्छा ख़जाना, सबसे बड़ा ख़जाना अच्छा और मुखलिस दोस्त है। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब हम देखते हैं अपने तफसीली जवाब के सवालात की तरफ। दो ऐसे सवालात हैं जिनके आपने तफसीली जवाब देने हैं। पहला है, कहानी का मरकज़ी ख्याल मुसन्निफ़ के हवाले से लिखिए। जी, इसमें आपने जो मरकज़ी ख्याल है, जो सेंट्रल आइडिया है इस स्टोरी का, आपने वो बताना है। ठीक है, अच्छा, ये मिर्ज़ा अदीब साहब की ये जो लिखी हुई कहानी है, और मिर्ज़ा अदीब साहब जो हैं वो मशहूर हैं कि इस बात में कि उनकी हर कहानी के अंदर एक माशरती सबक होता है, और इस कहानी में भी उनका जो माशरती सबक है वो एक अच्छे और मुखलिस दोस्त की कदर व कीमत है, कि मुखलिस दोस्त जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना होता है। इंसान का हर ख़जाना उसको कभी ना कभी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक मुखलिस और सच्चा दोस्त जो है वो इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, तो आपने ये उसका ये मरकज़ी ख्याल जो है वो इस तरह अपने अल्फाज में चार पाँच लाइन्स में लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको मज़ीद एलेबोरेट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, इस कहानी का ख़ुलासा लिखिए। जी, ख़ुलासा का मतलब होता है कि ये जो पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी, इसको आपने अपने लफ्ज़ों में जो है वो तलखीस के साथ, यानी कि छोटा करके लिखना है। तो हम इसमें शुरू से लेके और आखिर तक की जो पूरी कहानी है दो दोस्तों की, कि वो किस तरह दुकानदार हैं और पुराने शहर से नए शहर की तरफ ट्रैवलिंग करके जा रहे हैं और अक्सर वहाँ पे रहा करते थे, और फिर रास्ते में आमिर और फयाज़ के बीच क्या हुआ, किस तरह वो बूढ़ा आदमी आया, किस तरह उसने फिर रात को अपने बिस्तर से उठ के बग़ैर फयाज़ को बताए हुए गया, फिर सुबह शाम काट गया, और वगैरह वगैरह, तो सारी तफसीलें आपने अपनी लाइन अपनी अपनी सोच के साथ जो है वो शॉर्ट करके लिखनी है, और ये कम अज़ कम 12 to 15 लाइन्स की होनी चाहिए। इसके अलावा आखिर में है जी, दोस्त से मुतालिक अखबार ज़री। हाँ जी, तो आप अपने चार्ट ना बनाइए, आप अपनी कॉपी पे अच्छे दोस्त के हवाले से कोई अखबार ज़री अपने बड़ों से पूछ के या इंटरनेट से देख के नोट कीजिए, 10 अखबार ज़री आपने लिखने हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये वाला जो यूनिट है ये हमारा पढ़ लिया हमने, और इसके हमने मश्की सवालात भी कर लिए। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगला जो सबक है बच्चों के लिए चंद नसीहतें, हम उनको तफसील से पढ़ेंगे। अगर इन जो हमने अभी सवालात किए इनके हवाले से कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो, तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।